पेट्रोल पंप आगे अपनी बीच में करा रहे हैं हम फ्यूलिंग। लाइब्रेरी चौक तो पहुंच गए हैं, बाकी हमारा सूरज भाई तो आ गया हमारे साथ, लगा हुआ है थोड़ा सा शोर मचाने की कोशिश में। एंड बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लेट्स वेट फॉर देम। ऑलमोस्ट सारे दोस्त लोग आ गए, अब हम चलते हैं आगे। हमारा दीपक भाई का वेट कर रहा है, दीपक भाई हमारा वेट कर रहा है आगे। सारे 1 2 3 4 5 बाइकें हैं रेडी, अब सीधे रुके हैं कहाँ पे, कैंपटी फॉल पे रुक रहे हैं, थोड़ा कैंपटी फॉल पे रुके थोड़ा सा, जाओ ना हल्की फोटो वोटो खींचते हैं। चलो मेरे भाई बढ़ते आगे। किलोमीटर आगे एंड गाइस चेक आउट द व्यू, दिस एरिया इज कौन सा एरिया भाई दीपक भाई, ये कौन सा एरिया है? जौनपुर क्षेत्र, जौनपुर जौनसार क्षेत्र। अब हम आपको दिखाएंगे, अब कैंपटी वैम्पटी जाएंगे बिल्कुल अच्छा सा, ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, अच्छे से चलाएंगे राइड का एंजॉय करते हुए, क्योंकि कुछ नए लोग साथ में हैं तो उनको देखेंगे ज़रा हाउ दे ड्राइव, क्योंकि पीछे रह जाएंगे नहीं तो सारे लोग। This is the famous hotel, the JW Marriott, the 5-star property in Mussoorie. You? Yeah.
कॉल्ड कैंपटी, द कैंपटी फॉल इज देयर डाउन देयर एंड आवाज़ अच्छी आ रही है एक्टिव स्टेज की, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं तो अपने बाकी वो ही थोड़ा पीछे रह गए, लेट्स वेट फॉर देम। सूरज भाई हमारा नाक बनाते हुए हैं, नाक ही नाक करते हुए आगे जा रहा है। एंड कैंपिंग हॉल इज अबाउट अराउंड 14-15 किलोमीटर फ्रॉम द मेन मसूरी सिटी। तो अभी दिखाते हैं आपको हॉल कैसा है। पार्किंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही पार्किंग है, सारी पेड पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। एंड खाने पीने सब की अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह है, काफ़ी वेजिटेरियन हर तरह का मिल जाएगा आप लोगों को। रोड कहीं कहीं पर ख़राब है, बाकी ओवरऑल रोड तो बढ़िया है, टेंशन नॉट। ये है कैंपटी फॉल मसूरी का, देखो बिल्कुल बढ़िया कर दिया। ये है फॉल यहाँ का, बाकी मेन है वहाँ से नीचे। काफ़ी अच्छी है घूमने के लिए एंड बहुत फेमस स्पॉट है कैंपटी फॉल ओवरऑल इंडिया में। हमको जहाँ हमारी डेस्टिनेशन अभी और थोड़ी दूर है, थोड़े ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, थोड़ा सा रूरल एरिया है, गांव का एरिया है। बाकी इधर ये पार्किंग बनने वाली है आने वाले टाइम पे, 3-4 साल तो हो गए सुनते सुनते, बट क्या करें, हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहाड़ों के बीच में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। यही एक रीज़न है कि मेरे को अपना होम टाउन मसूरी पसंद है। एंड गाइस इफ यू आर, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है। एंड व्यू देखो गाइस तब बिल्कुल मस्त एकदम। यार ये देखो एक बहुत अच्छा फॉल है, देखो कहाँ से आ रहा है, देखने लायक है बिल्कुल। चेक आउट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, आप देख पा रहे हो अगर कैमरा GoPro हमारा कैप्चर कर पा रहा है। बाकी बस ये देखो यही पहाड़ था, बाहुबली वाला पहाड़ है, कितना सुंदर है यार ऊपर से देखो। चलो फिर आगे चलते हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए हमारे बॉयस सब आगे। अभी पर्टिकुलरली जगह देखो थोड़ी सी रोड बहुत नैरो है, अगर यहाँ पर अगर आ रहे हो आप थोड़ा सा आपको पहाड़ों में जाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल रेस ड्राइविंग ना करें, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो बहुत रिस्की जगह है, यहाँ पर रोड बहुत नैरो है, पहाड़ वहाड़ से पत्थर गिरने का भी डर रहता है। गुड व्यू अच्छी है, सुंदर सामने गाँव है, छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे आपको, बढ़िया एकदम। यहाँ के लोग आपको हेलमेट काम पहने नजर आएंगे, क्यों लोकल लोग हैं आप, कितने लोग लोकल है, लोकल है क्या बोले, लो कमेंट आप लोग कमेंट करके बताओ अपने तक कितने लोग हैं जो लोकल में हेलमेट पहन के घूमता है। लेट्स सी, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल भगाने का मन नहीं कर रहा है भाई, कह रहा कि ये थोड़ा राइड का एंजॉय करना है। देखते हैं ग्रो कितना करता है आने वाले टाइम पे, 4-5 बाइक भी और लोग भी थे, थोड़ा बिजी है काम वहाँ पे। लैंडस्केप ब्यूटीफुल, लैंडस्केप अच्छी जगह है, अब कहीं नहीं रुकना, आप सीधे डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी है उधर, बहुत अच्छा।
लेफ्ट हो जाना है, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे लगाए हैं बोर्ड, यहाँ से लेफ्ट हो जाना है लेफ्ट। बाकी हम और लोगों के लिए रुकते हैं, अब चल रहे हैं। अब बस अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, और ये रोड आपको अगर विकास नगर जाना तो वहाँ भी पहुँचा देगी। वाटर क्रॉसिंग है लद्दाख वाली। ये रहा गाइस यमुना ब्रिज। राफ्टिंग वगैरह होती थी पहले, अभी भी होती है, आप देखो होती है या नहीं पता नहीं, अगर होती होगी होगी तो देखते हैं करेंगे कभी। वैसे तो बोट तो रखी है, लेकिन सीधा बोट बिलो डेड ब्रिज। बहुत यहाँ से गीली मारे गए, मार देगा काफ़ी है खाने वाने के, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने ये सबसे आगे बैठे, थोड़ा सा व्यू वगैरह भी इंजॉय करना है, बाकी देखूँ। दिस इज द ब्रिज एंड ठीक है, व्यू है, डर लग रहा है मुझे। वाटर इज फ्लोइंग बहुत डीप है पर्टिकुलर वन में। यहाँ पे रुक रहे हैं हम सब लोग, सारे भाई लोग, एंड व्यू भी अच्छा है इधर से। खाना पीना हो गया सबका, एंड हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, थोड़ा फोटो शूट वगैरह करेंगे, लोकेशन दिखाते हैं, बढ़िया लोकेशन होने वाली है, मज़ा आने वाला है। दीपक भाई बहुत तेज है, इधर लिया वहां से लौंडे स्ट्रगल कर रहे हैं बाइक लाने के लिए, भयंकर ऑफ रोड है, सारे राइडर एक से एक भाई, एक से एक। कमेंट डाउन करके बताओ कैसी लोकेशन लगी आप लोगों को, ऐसा कुछ हमारा लाइनअप है। हमारा सूरज भाई सीधा ब्यूटी है, इतना मज़ा आ रहा है। Oh,
फोटो शूट वगैरह करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकल रहे हैं हम बाहर। फोटोशूट वगैरह पूरा हो गया एंड लास्ट टाइम लोकेशन देख लो, बहुत बढ़िया लोकेशन है, मज़ा आ गया। हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर। आज के दिन तो बहुत एंजॉय कर लिया सारे भाई लोगों ने, एंड एक भाई तो उसको थोड़ा लेट हो रही थी, वो तो चला गया। एंड बाकी ये रहा लाइनअप, लोकेशन बहुत ही प्यारी है यहाँ की जगह। And see the view, particularly see the view, is totally fantastic view. बढ़िया है, किधर कैंपिंग वगैरह करेंगे हम आगे आने वाले टाइम पे, बट पर्टिकुलरली अभी तो हम जा रहे हैं क्योंकि एंड बाकी अभी चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं हम कैसे आए थे, बाकी एम टी के पीछे लगाएंगे, थोड़ा रनिंग शॉट लेंगे। एंड गाइस अब हम चल रहे हैं घर की ओर, बाकी कुछ शॉट्स का मज़ा लीजिए। Signing off. See you in the next vlog.